हमें प्रिसाइज रोटेशन चाहिए होती है इन डिफरेंट सिनेरियो, डिफरेंट एनिमेशंस रिक्वायर्ड दैट। अगर हम लोग वॉक साइकिल बना रहे हैं उसमें हमें प्रिसाइज ट्रांसलेशन या रोटेशन की जरूरत है। ए टूल में हम नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं प्रिसाइज ट्रांसफॉर्मेशन की। जब हम प्लस पे क्लिक करते हैं तो अभी कुछ नहीं हो रहा क्योंकि हमने की नहीं लगाई। तो पहली चीज की लगा लें, जो भी यहाँ पे वैल्यू है 0.50 वो अप्लाई हो रही है इन एवरी रोटेशन और ट्रांसलेशन और स्केल। तो लेट्स हम लोग यहाँ पे कहते हैं भाई तुम 5 यूनिट के हिसाब से प्लस कर दो, तो हर चीज की वैल्यू +5 यूनिट एड हो गया। ये हम लोग माइनस कर सकते हैं। अच्छा, इस पे हम लोग राइट क्लिक करके भी डिफरेंट वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं ये चाह रहा हूँ कि यार वैल्यू का मैं 0 कर दूँ, तो सिंपल सेलेक्ट करो और 0 पे क्लिक कर दो। स्केल के अलावा उसने सभी को 0 कर दिया। इसके अलावा मैं राइट क्लिक करके इसको बोलता हूँ यार रोटेशन को 0 कर दो। लेट्स मैंने रोटेट किया था, मैं वर्ड में जाता हूँ और रोटेट कुछ करता हूँ, रोटेशन की वैल्यू ऐड करता हूँ। इसको मैं राइट क्लिक करके रोटेशन को 0 कर देता हूँ, या मैं ट्रांसफॉर्म किया था इसको, या मैंने इसको मूव किया था किसी भी लोकेशन पे और इसको मैं 0 पे लेके आना चाहता हूँ। सिंपली राइट क्लिक किया और ट्रांसलेट को मैंने 0 कर दिया। इसके अलावा हम लोग वो क्या कर सकते हैं, इससे हम कहते हैं कि भाई तुम एक्स के अलॉन्ग वैल्यू को बढ़ाओ। तो मैंने सिंपली यहाँ पे सेलेक्ट किया एक्स की वैल्यू को और यहाँ से यूनिट बढ़ा देते हैं, मे बी 2 कर देते हैं। अब की बार जब मैं प्लस पे क्लिक करूंगा तो एक्स के अलॉन्ग मूव करेगा या एक्स के अलॉन्ग नेगेटिव में जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि हम चैनल्स में जाकर इसको बोल देंगे भाई सिंक करो टाइमलाइन से। और इस तरह हम लोग ग्राफ एडिटर से भी सिंक कर देते हैं। ग्राफ एडिटर से और टाइमलाइन से सिंक करने का फायदा ये होता है, यहाँ से हम किसी भी वैल्यू को सिलेक्ट करते हैं रोटेशन को या ट्रांसलेशन की वैल्यू को, तो वो उसको आइसोलेट करके दिखा रहा होता है। अभी जैसे लेट्स से मैं कहता हूँ कि भाई तुम रोटेशन वाइज यूनिट ऐड करो उसके 2 यूनिट, तो वो 2 यूनिट प्लस करता जा रहा है क्योंकि हमने यहाँ से सिंक किया हुआ है उसको टाइमलाइन से और ग्राफ एडिटर से। टाइमलाइन और सिंक ग्राफ एडिटर को थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लेन कर देते हैं, उसका मतलब क्या है। मैं ग्राफ एडिटर को ओपन करता हूँ और यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ एक्स की वैल्यू को। अब की बार आप देख रहे हैं कि वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर रहा है जो भी यहाँ से मैं चैनल बॉक्स से सिलेक्शन कर रहा हूँ, वो सिंक करता जा रहा है उसको ग्राफ एडिटर के साथ और टाइमलाइन के साथ। इसका मतलब क्या है, लेट्स से मैंने एक्स के अलॉन्ग एनिमेशन की थी, तो अगर मैं एक्स के अलॉन्ग कोई भी चेंज करता हूँ तो वो दूसरी कीज को डिस्टर्ब नहीं हम लोग कर रहे हैं। तो सिंक करने का फायदा क्या हुआ, हम सेपरेटली कीज को मैनिपुलेट कर सकते हैं, उनको एडजस्ट कर सकते हैं। हमें ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि भाई कीज है कहाँ पे। अगर इसको हम ऑफ करते हैं, इन दोनों चीजों को ऑफ करते हैं, अब की बार जब मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करने से ग्राफ एडिटर को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, ग्राफ एडिटर सभी कीज को दिखा रहा है। इसी तरह टाइमलाइन सभी कीज को दिखा रही है, जितनी भी कीज है हमारी। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए, हम लोग हमेशा इन चीज़ों को ऑन रखते हैं और सेपरेटली चीज़ों को सेलेक्ट करके एनिमेट कर सकते हैं या पॉलिश कर सकते हैं। तो दोस्तों हमेशा मेरी कोशिश होती है कि मैं इन दोनों चेक बॉक्सेस को ऑन रखूं। तो ये चीज़ वहाँ पे काम आती है जब हमें प्रिसाइज रोटेशन चाहिए होती है इन डिफरेंट सिनेरियो, डिफरेंट एनिमेशंस रिक्वायर्ड दैट। अगर हम लोग वॉक साइकिल बना रहे हैं उसमें हमें प्रिसाइज ट्रांसलेशन या रोटेशन की जरूरत है। इसके अलावा हम लोग अपनी कीज़ को नज कर सकते हैं लेफ्ट या राइट। मैं सिंपल किसी भी की पे जाता हूँ और मैं कहता हूँ कि भाई तुम लेफ्ट 1 यूनिट चले जाओ या राइट 1 यूनिट चले जाओ, बजाय इसके कि मैं सिंपल शिफ्ट क्लिक करूँ और उसको मूव करूँ, मैं सिंपल यहाँ पे क्लिक करके इसको लेफ्ट या राइट नच कर सकता हूँ। मैं सिंपली राइट क्लिक करके भी डिफरेंट वैल्यूज को सेलेक्ट कर सकता हूँ, मे बी 2 यूनिट तुम लेफ्ट या राइट उसको कर लो। तो सिंपली क्या करेंगे, राइट क्लिक नच एवरीथिंग इन द सीन, तो जो कुछ भी सीन में होगा वो उसकी उसकी कीज आगे पीछे मूव हो जाएंगी। इसका नॉर्मल तरीका क्या है, हम लोग सेलेक्ट करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, हम लोग ग्राफ एडिटर से भी कर सकते हैं। मैं कहता हूँ भाई ये वाली की लेफ्ट या राइट मूव हो जाए, या सभी कीज़ को मैं मूव करता हूँ, तो ये वाली फंक्शनैलिटी हमें यहाँ पे मिल रही है जो कि काफ़ी हैंडी। तो जब हमारी कीज़ काफ़ी नॉइजी हो, अगर से हमारे पास मोशन कैप्चर डाटा है या हमारे पास हमने एनिमेशन ऐसी की है कि उसमें हमारी स्पेसिंग बहुत ख़राब आ रही है, तो मैं एक टूल अक्सर यूज़ करता हूँ जो कि यहाँ पे है। हम लोग राइट क्लिक करेंगे और मैं कहता हूँ ईज इन ईज आउट पे आ जाओ। अब की बार जब मैं लेट्स से इस बाउंसिंग बॉल को प्रॉपर करना चाह रहा हूँ जो कि अभी बहुत झटके मार रहा है, मैं कहता हूँ भाई ऐसा करो कि इन कीज़ को पकड़ो और तो जो मेरी राइट वाली की है उसके साथ खूबसूरत सी ईज इन सी बना लो। इसी तरह मैं इसके बाद वाली कीज़ को सिलेक्ट करता हूँ और कहता हूँ कि भाई इससे पहले जो की है ना उसके साथ तुम ना थोड़ी ईज इन बना लो, इसको
इसको मैं जब रिवर्स करूंगा तो उल्टा होगा, सही है। तो हम लोग डिफरेंट एनिमेशन सिचुएशंस में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास बहुत खूबसूरत सी और बहुत स्मूथ सी एनिमेशन आ रही है जो पहले काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। तो इस तरह से अक्सर मैं मोशन कैप्चर क्लीनअप के लिए इसको यूज़ करता हूँ, या जब मैं पॉलिश कर रहा होता हूँ तो स्पेसिंग को बेहतर करने के लिए इसको यूज़ करता हूँ। इसमें और भी ऑप्शंस हैं जिनको हम लोग यूज़ कर सकते हैं अपने वर्कफ्लो में, जिनको अभी मैं टच नहीं करने जा रहा क्योंकि मेरा फेवरेट है ईज इन ईज आउट। तो दोस्तों अभी के लिए इतने ही, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं और मजीद ए टूल को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। ए टूल इज सुपर हैंडी थिंग जिसको हमें अंडरस्टैंड करना आना चाहिए, जिससे हमारा वर्क फ्लो काफ़ी फास्ट हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट टाइम मिलते हैं मजीद वीडियोज़ के साथ। टेक केयर।